नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, तबीयत कुछ अभी भी सही नहीं हो पाई है। आज गया भी था बट अभी कुछ उतना अच्छा तो फील नहीं हो रहा है। दवाई वाई सब कुछ हो गई है लेकिन अभी भी उतना अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आपकी जो शाम को वोकैब की क्लास चलती है वो अभी देखिए कुछ पेंडिंग में भी पड़ी हुई है। बट कोशिश ये है कि आपको पेपर से पहले कुछ वो इम्पोर्टेंट वर्ड जो है प्रोवाइड करा दिया जाए जो आपके पेपर में आने के लिए मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा इंग्लिश का, सेकंड पार्ट हमारा जीएस का होता है जिसमें करंट के भी क्वेश्चन होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन ब्लो आर फोर जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। चलिए पहला क्या लिखा हुआ है, हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर्ड। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेशन ऑफ अ कंट्री, फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड साउंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज कैन ऑफ चेंज। अच्छा चलिए, हाउ द रेट पॉपुलेशन इंक्रीज इन दिस चेंज द एक्सप्रेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर। हाँ तो ये पहला वाला बन जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेशंस ऑफ अ कंट्री, फिर दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड। फिर फर्स्ट इन टर्म, क्योंकि ये टू वेज में हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म ये है, ये आपका थर्ड बन जाएगा और इसके बाद वाला ये फोर्थ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सी बी डी ए। ये किस में दे रखा है, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही दे रखा है, यही टिक हो जाएगा आपका। चलिए सेलेक्ट द करेक्टली सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनियम बताना है। चलिए सिनोनियम क्या हो जाएगा, ऑब्लीगेटरी लिखा हुआ है। ऑब्लीगेटरी का मतलब होता है कानूनी रूप से जरूरी होता है। क्या होता है दोस्तों, कानूनी रूप से जरूरी। तो देखिए इसका जो रैकलेस लिखा हुआ है, यूजलेस लिखा हुआ है, मैंडेटरी लिखा हुआ है और अग्रेसिव लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो इसकी मीनिंग बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट हो जाएगी। ऑब्लीगेटरी मतलब कानूनी रूप से जरूरी जो होता है, तो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी मतलब भी जरूरी होता है और ये भी कह सकते हैं कानूनी रूप से जरूरी होता है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अच्छा जो यहाँ खाली जगह में भरा जाएगा वो पूछा जा रहा है। वी मस्ट टू हेल्प द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, वी मस्ट टू हेल्प। अच्छा वी मस्ट टू हेल्प द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। अच्छा हम लोगों को जो है हेल्प प्रदान करना चाहिए जो होमलेस और फिजिकली डिसेबल पीपल हो। तो देखो जो प्रदान करना होता है, टू हेल्प मतलब प्रदान करना, हेल्प प्रदान करना, तो रेंडर होता है, रेंडर मतलब होता है प्रदान करना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मस्ट रेंडर टू हेल्प द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल पीपल। चलिए इन द सेंटेंस डेफिनेटली द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। अच्छा कहाँ पे ग्रामेटिकली एरर है ये पूछा जा रहा है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन। देखो जब आपका वन ऑफ द बॉयज मतलब जो लड़के हैं उनमें से कोई एक, वन आया ना, सिंपल सी बात है यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यहाँ पे हैज़ बीन हो जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में गलती हो जाएगी। ठीक है चलिए सेलेक्ट द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब इसका जो है सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाना है। द मैनेजर कीप द वर्क पेंडिंग, क्या लिखा है, मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द वर्क्स, फिर आ जाएगा इज, क्योंकि कीप्स लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, इज केप्ट पेंडिंग। ठीक है केप्ट, क्योंकि कीप की जो है कीप्स की मतलब कीप की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। तो द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा, यही सही हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। चलिए द डायरेक्टर विल एग्री, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। तो यहाँ पे हमको चेंज क्या करना है, एग्री विद द प्रपोजल, इसको देखना है कि क्या हो सकता है। ठीक है
द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल। दोस्तों जब एग्री विद दिया होता है तो वो किसी समवन के लिए यूज होता है। डायरेक्टर विल बी एग्री विद समवन होना चाहिए था यहाँ पे, द प्रपोजल नहीं। तो यहाँ पे एग्री विद की जगह पे क्या यूज होगा, तो एग्री टू यूज कर सकते हैं। द डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल इफ़ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। तो यहाँ पे एग्री टू द होना चाहिए था, एग्री टू द प्रपोजल, ये सेकेंड ऑप्शन में देना, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट लिखा हुआ है, एग्जिबिट लिखा हुआ है, एक्जेल लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहला लिखा हुआ है एग्जॉस्ट, इसका मतलब होता है थका देना, एक्जेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, और एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो जो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखी हुई है, तो ये जो लिखी हुई है ये वो लिखी है ई एक्स आई बी आर टी, एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, यही आपकी बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है। बाकी जो ई एक्स एच, ठीक है, ई एक्स एच ए यू एस टी होती है, एग्जस्ट होता, एग्जॉस्ट होता है, तो ए यू एस टी बनता है, ओ नहीं बनता है। बाकी ये एग्जेल, तो ई एक्स एच ए एल ई होता है, ना कि ए आई एल। और एक्सट्रैक्ट का क्या होता है, ई एक्स टी आर ए सी टी, ई एक्स टी आर ए सी टी, तो ई नहीं बनता है। तो ये गलती थी इसमें। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम टू टेक फ्रेंच लीव। ईडियम में क्या है, टू टेक फ्रेंच लीव। देखो जब टू टेक फ्रेंच लीव होता है, क्योंकि जब आप फ्रेंच लीव लिखा है तो बिना किसी कारण के छुट्टी लेना, ठीक है, या किसी सूचना दिए बगैर छुट्टी ले लेना, तो ये होता है टू टेक द फ्रेंच लीव। तो बिना किसी कारण या सूचना के छुट्टी पर चले जाना। चलिए वेलकम द होस्ट, इसका क्या ही मतलब, जब बिना किसी कारण या सूचना की छुट्टी लेगा। एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विद रिटन परमिशन, रिटन परमिशन से जाएगा तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, हाँ वो किसी इंफॉर्मेशन के बगैर चला गया। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। स्कैनिटिलेटिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलिए इसका मतलब दोस्तों होता है चमकता हुआ। क्या होता है, चमकता हुआ। और जो इसका सिनोनियम चाहिए है, अच्छा एंटोनियम चाहिए होता है तो फिर जो है आपको डल की तरफ जाना पड़ता या ब्लरी होना चाहिए था। तो इसका मतलब होता है चमकता, चमकना या चमकता हुआ। और जो इसका सिनोनियम बन जाएगा वो ये ग्लिटरिंग बन जाएगा। ग्लिटरिंग का भी मतलब होता है चमकना। चलिए फिर देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ऑफ वर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ जो सुना नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, तो वो क्या होता है, इनऑडिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, इनऑडिएबल होता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। चलिए क्या लिखा हुआ, हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज वोलेटाइल, डक्टाइल, फ्रगिल या फ्रगुल। देखो जो फ्रेगाइल लिखा हुआ है या फारे जी आई एल, इसका मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला। ठीक है, फ्रगुल एफ आर यू जी ए एल, इसका मतलब होता है मितवई यानी कि कम खर्चीला। ठीक है, वोलेटाइल बी ओ एल ए टी आई एल ई, इसका मतलब होता है बदलने वाला। और डक्टाइल, इसका मतलब होता है नमनीय, डी यू सी टी आई एल ई। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ थर्ड ऑप्शन में फ्रेगिल, एफ ए एफ आर ए जी आई एल ई, फ्रेगिल, इसका मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंडल दिस ग्लास, मतलब इस ग्लास को आसानी से पकड़ो, ग्लास टेबल को, विद केयर, मतलब हैंडल दिस ग्लास, इस जो ग्लास टेबल है इसको पकड़ो विद केयर, बहुत ही हिसाब मतलब केयर के साथ में, बहुत ध्यान से, बिकॉज इट इज़ क्या है, ये आसानी से टूट जाने वाला है, ये यहाँ पे निकलेगा। चलिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, ह्यूमिलेशन लिखा हुआ है, बकेट लिखा हुआ है, स्कैरसम लिखा हुआ है, रेटेलाइट लिखा हुआ है, सेक्रेजम लिखा हुआ है। देखो स्क्रेजम का मतलब होता है निंदापूर्ण कथन होता है। और ये रिलेटाइल लिखा हुआ है, रिलेटाइल का मतलब क्या होता है, रिलेटाइल का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है,
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो रेटेलाइट लिखा हुआ है, रेटेलेट, ये रेटेलेट ही लिखा हुआ, विरोध करना, आर ई टी ए एल आई ए टी ए. सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली ये कहाँ है यार, ये तो गलत लिखी हुई है. आई ए टी होता है, आर ई टी ए लेट, एल ए आई टी ए, तब तो सही लिखा है, एल ए आई टी ही होना चाहिए. नहीं, आई ए टी ही होता है, आर ई टी ए एल आई ए टी ई ये होती है, तो ये गलत हो जाएगी, ये नहीं सही है. ये तीन नंबर वाली स्कैरसम, इसका मतलब होता है निंदापूर्ण कथन, ये सही हो जाएगा. सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. क्वेश्चेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चेंट का मतलब होता है शांत. और एंटोनियम बताना यानी कि विरोध. पीसफुल का भी मतलब शांत होता है, और जो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब क्या होगा कि जो भाग दौड़ में बिजी हो या इस तरीके से बिजी रह सकता है, और डिजेक्टेड और इनडिफरेंट जो अलग हो. तो ये क्वेश्चन का है, इसका शांत तो इसका एक्टिव ही हो जाएगा, इसका अपोजिट एक्टिव हो जाएगा. सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, वन वर्ड बताना, अ सॉन्ग संग एट अ वुरल, तो यानी कि अंतिम संस्कार में गाया जाने वाला गीत, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो ये क्या होता है, ये डिर्ग होता है, डी आई आर जी डिर्ग होता है. इसका मतलब होता है जो अंतिम संस्कार, जब अंतिम संस्कार होना होता है तो उस समय पे जो गीत गाया जाता है उसको डिर्ग कहते हैं, डी आई आर जी. इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इसमें ग्रामेटिकली एरर ढूंढना है. आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5. अच्छा, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5. अच्छा, जब आई वाज ओनली 5 लिखा है, जब वो 5 साल का था तब वो तेज दौड़, मतलब स्विम कर सकता था, तब वो तेज तैर लेता था. तो यहाँ पे जब वाज लगा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे कैन नहीं होगा, क्या होगा, आई कुड स्विम वेरी फास्ट, लेकिन कुड भी नहीं हो सकता है ना दोस्तों. गलती तो यहाँ पे देखिए ये है कि वाज के साथ में कैन तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे कैन जो है वो आपका मोडाल है, और मोडाल आपका ये जो है प्रेजेंट मोडाल, मोराल हो जाएगा. तो यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि इसको लिख दें कि कैन की जगह पे वाज अवेल टू, तब तो सही हो सकता है कि आई वाज अवेल टू स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5. हाँ, ये सही हो सकता है. तो गलती तो यहाँ पे कैन नहीं होगा, ये तो गलत सही है. तो आई कैन स्विम यहाँ पे गलती हो जाएगी. चलिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom. चलिए, अ हार्ड नट टू क्रैक. चलिए देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, अ हार्ड नट टू क्रैक. इसका मतलब होता है एक कठिन कार्य करना, ठीक है. और जब कठिन है, तो जब कठिन होगा तो इसके लिए सिंपल सी बात है, ईजली और ईजली, ये तो दोनों काट दीजिए. और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, हाँ ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट कठिन जब कार्य होगा, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे ईजली तो यूज नहीं हो सकता. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. अच्छा, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी. देखो, जब भी दोस्तों, जब ये जब भी सेंटेंस कभी भी आया होगा, मैंने 10 बार इसको, 10 बार या मैंने हर बार इसको समझाया, और बहुत बार ये आया हुआ भी है कि जब भी कभी एज वेल एज से कोई भी चीज़ जुड़ी होती है, तो जो उसमें फर्स्ट सेंटेंस होता है, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके हिसाब से लगती है. तो यहाँ पे एज वेल एज लगा हुआ है, तो इसके लिए द कैप्टन, कैप्टन कौन है, एक यहाँ पे प्लेयर्स जरूर लिखा, लेकिन हमें प्लेयर्स से मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है. क्या लिखा हुआ, द कैप्टन, तो कैप्टन कौन है, अकेला, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वाज. तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वाज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, द प्लेयर्स वाज. चलिए, फिर सेलेक्ट द, क्या लिखा, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस. ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स. ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, उसने होटल रिसेप्शनिस्ट से कहा, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स. अच्छा,
क्या करना था, इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो अच्छा यहाँ पर जो वो होगा सैड टू, इसको चेंज कर देंगे होटल रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पे उसने, क्योंकि यू टेल मी तो आस्क कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए आस्क आना चाहिए, नहीं आस्क तो नहीं, यहाँ पे इंक्वायरी आ सकता है, इंक्वायरी नहीं वो, लेकिन इंक्वायरी करता तो वो इस तरीके से नहीं पूछता, तो यानी कि इसका मतलब वो आस्क कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट, फिर कैन यू टेल मी, और जो कैन यू टेल मी लिखा था, अच्छा कहाँ जा रहा हूँ यार, रिसेप्शनिस्ट, तो फिर कॉमा पास्ट ऑफ ही कॉमा जो पास्ट इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, तो इफ़ यू कुड क्या हो जाएगा, इफ़ यू कुड, क्योंकि कुड सिंपल सी बात है कि कुड आ जा रहेगा। देखते हैं पहले यहाँ तक देख लीजिए, ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ ही कैन है, कैन काट दीजिए, द इंक्वायरी होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कैन है काट दीजिए, ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम, इसमें तो कैन या कुड आया ही नहीं, इसको भी काट दीजिए, बचा चौथा, यही आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। अच्छा इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस। अच्छा दोस्तों देखिए, जब हम लोग जैसे एज वेल एज यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पहला हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं, और यहाँ पे जो क्या लिखा है वन ऑफ, जब वन ऑफ से कोई भी चीज़ जुड़ी हुई होती है तो इसका मतलब है वो प्लूरल आगे आएगी, तो वन ऑफ के बाद में जो भी हमारा जो सब्जेक्ट यूज होता है वो प्लूरल में यूज होता है, तो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल टाइम। तो यहाँ पे गलती किसमें हो जाएगी, सिंस नहीं, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म द सेंटेंस, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चेंज द मैन होल कवर्स। बिफोर द रेनी सीजन्स, तो इसमें आ जाएगा द मैन होल्स कवर्स वर चेंज्ड बिफोर द रेनी सीजन्स, ये थर्ड नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डायरेक्शंस 21 से 25 देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आवर सिविलाइजेशन इज मोर सिक्योर बिकॉज इट इज मच मोर वाइडली स्प्रेड, मोस्ट ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशन केम टू एन एंड बिकॉज अनसिविलाइज्ड पीपल ब्रोक इन द डिस्ट्रॉयड देम, दिस वॉज द फेथ ऑफ बेबीलोन, एसरिया, इंडिया, चाइना, ग्रीस एंड रोम, प्रीवियस सिविलाइजेशन वर सिविलाइज एंड लिमिटेड लाइक एन ओसिस इन सराउंडिंग डिजर्ट ऑफ सेवेजरी, इवेंचुअली द डिजर्ट क्लोज इन एंड ओसिस वॉज नो मोर, बट टूडे इट इज द ओसिस विच इज स्प्रेडिंग ओवर द डिजर्ट, प्रैक्टिकली नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अनटच्ड बाई इट, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड हैज नो अ चेंज, नाउ अ चेंज ऑफ बिकमिंग अ सिंगल होल यूनिट, टुडे द फूड वी ईट कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, द थिंग्स इन अ ग्रॉसर्स शॉप फॉर आर फ्रॉम द एंड्स ऑफ द अर्थ, देयर आर ऑरेंजेस फ्रॉम ब्राजील, ग्रेप्स फ्रॉम अफ्रीका, राइस फ्रॉम इंडिया, टी फ्रॉम चाइना, शुगर फ्रॉम कोलंबिया, etc. टुडे द वर्ल्ड इज बिगनिंग टू द लुक मोर लाइक एन इनॉर्मस बॉक्स, देयर फोर देयर इज लिटिल डेंजर अपॉन आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड, द डेंजर कम्स ओनली फ्रॉम within, it is a danger from among us, today the sharing out of money, the sharing out of food, clothing, house and books is still very unfair, in England along in sharing out of the national income we find that one half is divided among very 16 pupil and the 17th person gets the other half, so while some people live in luxury many have, इतना बड़ा पैराग्राफ, मैनी हैव नॉट इनफ टू एट द ड्रिंक एंड वियर, अगेन इन इंग्लैंड टूडे थाउजेंड ऑफ पीपल लिव इन ड्रेडफुल सराउंडिंग्स, देयर आर मैनी फैमिलीज ऑफ फाइव और सिक्स पर्सन हु लिव इन सिंगल रूम, इन द सेम रूम दे वर बॉर्न एंड इट एंड इन दिस सेम रूम दे डाई,
बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अनदर रूम अंटिल एवरी वन गेट्स हिज प्रॉपर शेयर ऑफ नेसेसरी एंड डिलाइटफुल थिंग्स अवर सिविलाइजेशन विल नॉट बी परफेक्ट। चलिए सिविलाइजेशन के ऊपर सेंटेंस का पैराग्राफ है, काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है। चलिए दिस इन द थर्ड सेंटेंस रिफर टू, किसके लिए कर रहा था? अब आप पूरा पैराग्राफ जब पढ़ेंगे थर्ड सेंटेंस की तरफ जाएंगे तो ये लिखा था डिस्ट्रैक्शन ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ जाएगा। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट टाइम। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसका जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? वी आर एट रिस्क ऑफ अटैक फ्रॉम आउटसाइडर, वी हैव एन इंटरनल थ्रेट फ्रॉम आवर ओन काइंड, वी नीड टू ब्रिंग थिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन नॉट ग्रो अवर ओन प्रोड्यूस। अच्छा, तो वी हैव एन इंटरनल थ्रेट फ्रॉम ओन काइंड, हाँ ये बिल्कुल सही है कि इसी से सबसे बड़ा ये जो है डिसएडवांटेज है। विच इम्पॉर्टेंट फ्यूचर फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ ट्रबल्स द राइटर मोस्ट, तो क्या हो जाएगा? देयर इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, पीपल डू नॉट केयर फॉर देयर फेलो थिंग्स, सिविलाइजेशन हैव बिकम डिपेंडेंट, ओल्डर सिविलाइजेशन डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। अच्छा, विच इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न लाइफ, वैसे फीचर पूछा गया मॉडर्न लाइफ का जो राइटर मोस्ट, जो उसमें कठिनाई सबसे ज़्यादा, तो देयर इज इन इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, ये सबसे सही परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, वॉट अकॉर्डिंग टू द राइटर वॉज द डिजर्ट दैट सराउंडेड द ओसिस। अच्छा, पुअर पीपल, सम रिच कंट्री, सिविलाइजेशन, सेवेजरी, सेवेजरी था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द फैक्ट गिवन इन द पैसेज। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेज, सम एंशियंट सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्ट्रॉयड, मोस्ट पीपल शेयर देयर मनी इक्वली, सम पीपल डू नॉट हैव एडिक्वेट सम स्पेस टू लाइव। नहीं, ऐसा नहीं था, मोस्ट पीपल शेयर देयर मनी इक्वली, ये बिल्कुल सही था। अगला पार्ट क्या है हमारे पास? अगला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, इसी में आपका जो है करंट का भी पोर्शन होता है। करंट आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पेपर में आप लोग इसकी तरफ भी फोकस रखिए, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन का मतलब हो गया 21 नंबर। अगर 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो 21 नंबर, अगर 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो भी आपको 15 नंबर, और अगर 15 नंबर चूक गए तो आप सोचिए कि अब बहुत पीछे हो गए, और आपका अब मान के चलिए कि क्या इंग्लिश में आप पूरे 25 के 25 सही कर देंगे, और जो बचे हुए रीजनिंग इसमें जीएस के जो 19 क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन, क्या आप वो पूरे सही कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्त। और ये मान के चलिए कि 150 नंबर की मेरिट में 150 नंबर के पेपर में आपको मेरिट में कम से कम आने के लिए 130 नंबर तो चाहिए ही होंगे, और 130 तभी आएंगे जब आप जीएस में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये पूछा जा रहा है। ठीक, स्कॉटलैंड, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। देखो, टेबल टेनिस जो है वो चीनी लोगों का खेल है, जो चीनी लोग हैं उन्हीं का राष्ट्रीय खेल है, तभी वो छोटे छोटे बैट दिए जाते हैं, रैकेट दिए जाते हैं, उसी से खेलो, छोटी सी बॉल, छोटा सा रैकेट, खेलो। तो वो चीनी लोग छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटी आँखों वाले, छोटे नाक वाले, सब इस तरीके से, तो वो लोग ठीक है उन्हीं का, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कॉमन सेंस मतलब एक कॉमन सा एक पैटर्न बना के कि चीनी छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटी आँखों वाले होते हैं, उनके पास छोटी गेंद और छोटे वो रैकेट से खेलते हैं छोटी सी टेबल पे, तो इसलिए चीन के लोगों का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है, रूस का राष्ट्रीय खेल जो है वो चेस है, कनाडा का आइस होता है, आइस हॉकी, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है वो सांड की लड़ाई होता है, और जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु का भी पारंपरिक खेल है। कुष्ठरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कुष्ठरोधी दिवस जो होता है वो दोस्तों 25 दिसंबर, 27 जनवरी, 30 दिसंबर, 30 जनवरी सॉरी, तो कुष्ठरोधी दिवस जो होता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है, और 30 जनवरी को ही राष्ट्रीय सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो इसके उसमें मतलब उन्हीं की याद में कह सकते हैं कि उनके लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम, कामबख्श, अकबर टू या मुअज्जम।
तो जो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है, क्योंकि ये इनका उत्तराधिकारी तो ऐसे तो बन नहीं गया था, इनका तो युद्ध हुआ था, युद्ध में जब जो जीता था वो 63 बरसी जो उनका पुत्र था कि मोहम्मद मुअज्जम, ठीक है, वही जीता था, और इसी को जो है बहादुर शाह कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम, इसी ने जो है फिर उसके बाद राज किया था 1707 से 1712 ईस्वी तक। तो मुअज्जम जो था औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था। भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट अधिकारियों का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जा सकता है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता। हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर क्या है, सास्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक। ये सास्थाम कोट्टा झील जो है ये केरल में स्थित है। निम्न में सही ढंग से जोड़ा कौन सा है? उत्तरी चीन चावल, दक्षिणी चीन गेहूं, कैंडी बेसिन कॉफ़ी और मलेशिया प्रकृति रबड़। अब हमसे ये पूछा गया कि इनमें से जो सही ढंग से मिला हुआ है वो कौन सा मिला हुआ है? तो मलेशिया, हाँ मलेशिया जो है ये प्रकृति रबड़ का बिल्कुल सही मिला हुआ है, क्योंकि ये सातवें नंबर पे आता है, जो रबड़ निकलती है प्रकृति रबड़, ये उसमें सातवें नंबर पे आता है, ठीक है, ये सातवां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा रबड़ का। चलिए, वाहन चलाने हैं तो दृश्य पाश्च दृश्य दर्पण होता है, ठीक है, कैसा? साधारण, अवतल, उत्तल या प्रतिलोमित। देखिए, मैं इसको आपको याद करने का एक तरीका बनाता हूँ, क्योंकि देखो जो वाहन होता है उसमें एक छोटा सा शीशा लगा होता है, उसमें काफ़ी दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, वाहन छोटे होते हैं और दूर तक दिखाई देते हैं कि हाँ वाहन आ रहे हैं, तो इसमें दूर तक देखने के लिए देखो दूर में क्या बनता है, दूर में ऐसे निकलता है ना, ये काहे की मात्रा लगी है, ऊ की, तो इसका मतलब हो गया ऊ, मतलब दूर, ऊ निकल रहा है ना, तो ऊ से उत्तल बन जाता है। अब दर्पण कौन सा यूज होगा? उत्तल दर्पण यूज होगा। वाहन चलाने हेतु तो जब हम लोग पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व या डायोड। तो दोस्तों, ये धारिता का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है? मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है? अच्छा, मस्तिष्क क्षमता, आंतरिम आयु, आंतरिम ऊंचाई, औषधि व्यासन। अच्छा, तो ये मनुष्यों में ये आंतरिम आयु का पता लगाने के लिए दोस्तों जो है अस्थायी भवन कहा जाता है, आंतरिम आयु का पता परीक्षण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा नवरत्न नहीं है? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेबी, एचपीसीएल, एनटीपीसी, भेल। तो देखो, एसबीआई जो लिखा हुआ है ये इसके नवरत्न में नहीं आता, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया। एचपीसीएल जो है और एनटीपीसी और ये भेल, ये तो तीनों आसानी से पता चल जाएंगे कि ये तीनों आते हैं। अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब शुरू होती है? अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब शुरू होती है? तो आयात निर्यात, निर्यात बराबर आयात, मतलब आयात जब निर्यात से ज़्यादा हो जाता है, निर्यात आयात के बराबर होता है, मुद्रा स्फीति घट जाती है, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखो, जब अवांछनीय भुगतान संतुलन जब भी आएगा तब क्या होगा, आयात जो होगा निर्यात से हमेशा ज़्यादा होगा। चलिए, 37 नंबर, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या ने की थी, किसने की थी? 1872 की बात हो रही है, ठीक है, जब 1872 में जो लॉर्ड मेयो की जो हत्या थी वो अच्छा में की गई थी, किसने की थी ये नहीं पूछा गया है। अच्छा, ये पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। अब इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, पहली जनगणना हुई थी जो 1869 से 72, वैसे 1872 बताया जाता है, ठीक है, और ये
फिर रिपन जो लॉर्ड रिपन था उसके शासनकाल में ये नियमित हो गई थी, पहले नियमित नहीं थी लेकिन स्टार्ट इसी ने किया था, उसके बाद में नियमित हो गया था। निपन नियमित 1881 में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, किसकी प्रमुख किस्में हैं ये, अच्छा गेहूँ की, बाजरा की, ज्वार की या धान की, तो दोस्तों ये धान की प्रमुख किस्में हैं। चलिए 18 नंबर, कंप्यूटर की दुनिया में माइकल एंजेलो क्या है, एक उच्च कोटि की डिजाइन सॉफ्टवेयर है, एक वायरस है, एक प्रकार का सर्किट है या उनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं, तो दोस्तों जो माइकल एंजेलो लिखा हुआ है ये एक तरीके का वायरस है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में अस्तित्व में आया था सबसे पहली बार। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, अच्छा रूमटेक के हैमिस या ताबो, तो ये दोस्तों रूमटेक जो मठ है ये सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है, अच्छा देखो चेतन भगत तो इंग्लिश में ही लिखते हैं ये तो आपको पता होगा, नामवर सिंह के लिए अभी आपको उतने अच्छे से नहीं पता है, चलिए कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी में लिखते हैं, अनीता देसाई ये भी अंग्रेजी में लिखती हैं, बहुत अच्छा, तब जब हमको यही यहाँ से पता चल गया तो अब बचा कौन, ये नामवर सिंह, यही अंग्रेजी में नहीं लिखते तो ये अंग्रेजी के लेखक नहीं होंगे। चलिए फिर क्या है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है, श्रीरंगम, मदुरई, तिरुचेंदूर या रामेश्वरम, तो दोस्तों सबसे बड़ा मंदिर का जो गलियारा है वो रामेश्वरम में स्थित है, कहाँ, रामेश्वरम में, ठीक है, लगभग 133 मीटर का जो है ये गलियारा बना हुआ है, ये उत्तर पूर्व से पश्चिम 133 मीटर और उत्तर से दक्षिण 197 मीटर का गलियारा है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। प्रख्यात गायक हाजी सुजान खान का संबंध था, हाजी सुजान खान का संबंध जो है किससे था, तो जयपुर घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या आगरा घराने से, तो दोस्तों ये आगरा घराने से था। हाल ही में ग्लोबल स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मॉस्को, टोक्यो, नई दिल्ली या शंघाई, देखो करंट का क्वेश्चन आया तो ठीक है, ये कहाँ किया गया है दोस्तों, ये नई दिल्ली में जो है अभी आयोजन जो है इसका नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, ईटानगर, इम्फाल, कोहिमा, अगरतला या कोहिमा, चलिए देखिए जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये तो कोहिमा में बनाया गया था, ठीक है 2023 का है तो ये तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोहिमा के जो रोसोगा गांव है वहाँ मनाया गया था ये, ठीक है क्योंकि 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए 46 नंबर देखिए, 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया, इस राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था, किसका, हिमाचल प्रदेश का, अच्छा हिमाचल प्रदेश का पूछा गया है तो हिमाचल प्रदेश तो 1971 में लगभग आया था, तो ये देखिए वर्ष 1971 दे रखा है, आप इसी पर पहुँच जाइए। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा अभ्यास किया गया है, तो एम्पेक्स 2023, साइक्लोन 1 2023, ट्रोपेक्स 2023 या पैरले 2023, तो ये ट्रोपेक्स जो 2023 लिखा हुआ है यही अभी जो है इसने भारतीय सेना ने हिंद महासागर में अभ्यास किया है नौसेना ने। चलिए दीपिका कुमारी से संबंधित है, दीपिका कुमारी जो है ये क्या खेलती हैं, तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी या तैराकी, दीपिका कुमारी जो है ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, तीरंदाजी से। चलिए झझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है, तो जो झझिया नृत्य है ये दोस्तों बिहार में उसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, जब विनिवेश नहीं है, विनिवेश को क्या कहते हैं, तो उदारीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, औद्योगिकीकरण कहते हैं या निजीकरण, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, विनिवेश को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश होता है इसको निजीकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निजीकरण, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हैं इंग्लिश और जीएस के, ये देखिए पूरे कंप्लीट हो गए हैं सेशन 2 के, आप लोग जो है इसको देखिए और साथ में लग जाइए, क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ ये है कि अब आज कितनी तारीख हो गई, आज 26 तारीख हो ही गई है, 27, 28, 29, 30, 4 दिन इधर हैं, 1 तारीख
दो तारीख से पेपर स्टार्ट है, यानी कि 5 दिन आपके पास बचे हैं। इस 5 दिन में आप जो भी आपको मिले, करंट के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, आप लपेटते रहिए लपेटते रहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ से चूके तो भैया फिर एक साल के लिए चले जाएँगे, क्योंकि इसकी वैकेंसी फिर से अब जून के बाद ही जुलाई के आसपास, मतलब जुलाई से अगस्त तक आती हैं। तो फिर इतना लेट जाने से अच्छा है कि आप अभी जुड़ जाइए और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और निकाल लीजिए ये एग्ज़ाम, ठीक है। 130 नंबर का टारगेट लेके चलिए, 130 नंबर से नीचे में आपका कुछ होना नहीं है, ठीक। इतना दिमाग में बनाएंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में जितने भी नए लोग देखते हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।